शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो मिस्टर अमर, आई एम सॉरी, मैं आपको एक बहुत बुरी खबर देने जा रहा हूं। चाचा जी, कन्नांगल चाचा जी नहीं रहे, चाचा जी नहीं। बेटे, मैं समझ सकता हूँ कि जिस चाचा ने तुझे बाप से भी बढ़कर प्यार दिया, उस चाचा की मौत से तेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, समझ सकता। ये लो, इसे पढ़ो। मेरी मौत को कत्ल ना समझो, ये खुदकशी है। ब्रेन ट्यूमर के दर्द ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वैसे भी मैं बहुत कम दिनों का मेहमान था। डॉक्टर ने 6 महीने की मुद्दत दे दी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 6 महीने तक इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैंने खुदकशी कर ली। इस मौत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी को इसका इल्जाम दिया जाए। राम कुमार सक्सेना। सॉरी बेटे, एक फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे चाचा जी को बचा नहीं सका। तुम्हारे चाचा जी इतने कमजोर निकलेंगे इस बात का मुझे पता ही नहीं था। माना कि उन्हें तकलीफें बहुत थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। अमर, मौसी तुम सोई नहीं? बुढ़ापे में जिन आंखों ने इस घर में इतना भयानक मंजर देखा हो, उन आंखों में नींद कहां से आएगी? चल बेटे, खाना खा ले। नहीं मौसी, मुझको भूख नहीं। मौसी का मतलब जानता है? मौसी यानी मासी, माँ की बात नहीं डाला करते। अच्छा बता, इस तरह गम में डूबे रहने से क्या होगा? नहीं बेटे, अपने खानदान का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे तुझे ही आगे बढ़ाना है, तुझे हिम्मत रखनी होगी। हाँ बेटे। भाई साहब, क्या है? मैं ये 2 टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये 2 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और एड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए
अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखा मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा, जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? हाँ? जूता बना के देता ही, अब मैं फिर से मदारी बन जाऊं। अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन। मैं तुझे समझाता हूँ, इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है। तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। सारे लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबके लिए होटल बुक कर रहे हैं। ओके सर। रोहित, रोहित बेटा। ए रुको रुको, कौन हो तुम, कहाँ घुस रहे? मुझे साहब से मिलना है। तुम्हें और छोटे सरकार से मिलना है? हाँ, बहुत जरूरी काम है। अंदर मीटिंग चलिए, दो घंटे बाद आना। दो घंटे बाद? दो घंटे बाद। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किस्म का फैन बनाती है, और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी रिजनेबल रखते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जबरदस्त है। आज की ये मीटिंग रखने का खास मकसद ये है कि हमें अपनी क्वालिटी को इसी तरह बरकरार रखना है, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हर कंपनी के साथ कंपीट कर सकें। And thank you very much. सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित, रोहित बेटे, अरे कहाँ हो तुम? कैसे हो? कौन हो? माफ कीजिएगा, मेरा नाम अमर है। कौन है ये? मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम शायद अपनी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। मत बताओ, लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो। कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते? जो लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानते? हर बाप का एक अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखे। अगर इस बाप का अरमान है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा देखे, एक बार उसे चलकर देख लो, शायद जी जाए, शायद डेढ़ साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रोहित नहीं, अमर है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैंने किसी लड़की से कभी इश्क किया। दीपक। यस सर। एक काम करो, इनकी बेटी के इलाज के लिए कुछ। ओके, कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, तुमने सही कहा था, मैं वाकई धोखा खा गया हूं। तुम रोहित नहीं हो, और उसका सबूत है ये नोट। अगर तुम रोहित होते तो मेरे हाथ में ऐसे भीख के नोट नहीं थमाते। इसे रख लो बेटा, दुकान तुम्हें और दे। मेरी बीमार बेटी के दुख ने मेरी हालत बना दी है कि लोग मुझे भिखारी समझने लगे हैं। तुम्हें देखकर ऐसे लगा कि जैसे रोहित जिंदा है, और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए। माफ करना बेटा, तुम्हारा समय बहुत बर्बाद किया। मालिक तुमको और दौलत दे, और तरक्की करो बेटा। सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? बेटी, ए बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? ए रोहित आया बेटी, रोहित आया।
इसे जी भर के रो लेने दीजिए, इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सीमा, सीमा बेटी, बेटी, डॉक्टर साहब। यस नर्स, क्या? प्लीज डोंट वरी, मारे खुशी के बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, तब तक आप लोग जरा। ओह या श्योर नर्स। बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि आपने मुझे रोहित कहकर पुकारा, आपकी बेटी ने भी मुझे रोहित कहकर पुकारा, यह सब क्या चक्कर है? मैं समझाता हूँ, ये देखो। इस लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये रोहित की तस्वीर है। बड़ा नेक और शरीफ लड़का था रोहित। सीमा और रोहित बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मेरे बेटी के भाग में लाल जोड़ा और हाथों की मेहंदी तो लिख दी थी, लेकिन सुहागन होना नहीं लिखा था। रोहित शादी के लिए अपने मां बाप को लाने गया, वो तो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। सैड, वेरी सैड। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर जगमोहन, आपकी बेटी को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उसे मिल सकते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी सी, कम।